दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं अक्सर उन्हीं शब्दों को लेकर आता हूँ जो आपकी डिक्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप उन शब्दों को जानते हुए भी लिख नहीं पाते, आपको परेशानी होती है। आगे से आपको ये परेशानी न हो, आसानी से आप डिक्टेशन को लिख सकें, शब्दों को पहचान सकें। तो मैं अभी इनकी आउटलाइन आपको बना के बताऊंगा, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना, और इसके लिए एक नोटबुक जरूर बना लें। नोटबुक में इन्हें नोट करते जाएं, जब भी आपको मौका मिले तभी उसको रिवीजन करते रहिए। डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है, आउटलाइनों पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, और डिक्टेशन को कम से कम एक डिक्टेशन डेली सीम कीजिए। कम से कम 5 से 7 बार डिक्टेशन को कीजिए। जितना आप ज़्यादा डिक्टेशनों की प्रैक्टिस करेंगे, आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें दिए गए जितनी भी आउटलाइन कठिन शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस करो, यही आगे बढ़ने का तरीका है। और इसके साथ ही आपको बुक का भी डेली अध्ययन करना है, जो हमारी ऋषि प्रणाली या जो भी जिस भी प्रणाली से आप पढ़ते हैं उस प्रणाली की जो बुक है उसको भी आप डेली देखते रहिए। उसमें से कुछ ना कुछ आपको अवश्य नया मिलेगा। ये आपकी स्पीड बढ़ाने में सबसे कारगर तरीके हैं। सबसे पहले हमारा जो शब्द है वह है मानवाधिकार। मानवाधिकार, ये हो गया मानवाधिकार। इसके बाद में है मानवाधिकार आयोग, ऐसे बनाएंगे मानवाधिकार और ये आयोग, घासी काट देंगे इसको। इसके बाद में है हमारा मानवता, मानवता। आगे हमारा शब्द आएगा माननीय, माननीय, ये हो गया माननीय। के बाद में है मान सम्मान, ऐसे बनाएंगे इसको मान और ये सम्मान। इसके बाद में है मान अपमान, ऐसे बनाएंगे मान और ये अपमान। आगे है मानवीयता, बनाएंगे इसको मानवीयता। इसके बाद में है मानवीय गुण, मानवीय गुण। इसके बाद में हमारा शब्द है वह है मानवीय आधार, मानवीय और ये आधार। इसके बाद में है मानवीय आधार पर, मानवीय आधार पर। आगे हमारा शब्द आएगा मान मनुहार, ऐसे बनाएंगे इसको मान मनुहार, हो गया मान मनुहार, डबल कर देंगे। इसके बाद में है हमारा मानवीयता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर, हो गया मानवीयता के आधार पर। इसके बाद में हमारा शब्द है मानवीय मूल्य, ऐसे बनाएंगे इसको मानवीय और ये मूल्य, हो गया मानवीय मूल्य। इसके बाद में है मानसिक, मानसिक। इसके बाद शब्द आएगा मानसिकता, ऐसे बनाएंगे मानसिकता। आगे है माननीय सदस्य, माननीय और ये सदस्य। इसके बाद में है माननीय मंत्री, ऐसे बनाएंगे इसको माननीय मंत्री, ये हो गया माननीय मंत्री। लास्ट में हमारा मानवीय दोष, मानवीय और ये दोष, ये हो गया मानवीय दोष।
तो दोस्तों ये कुछ आउटलाइन मैंने आपको बना के बताई है। आउटलाइनों को एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ जिससे कि आप उनको अच्छे से समझ सकें, आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले है मानवाधिकार, ऐसे बनाएंगे मानवाधिकार। आगे है मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार और एक आयोग घर से काट देंगे इसको। उसके बाद में है मानवता, हो गया मानवता। उसके बाद में है मानवीय, मानवीय। उसके बाद में है मान सम्मान, मान और ये सम्मान। आगे है मान अपमान, मान और ये अपमान। आगे हमारा शब्द है मानवीयता, मानवीयता। उसके बाद में है मानवीय गुण, मानवीय गुण। उसके बाद में है मानवीय आधार, मानवीय और ये आधार। के बाद में है मानवीय आधार पर, मानवीय आधार पर। इसके बाद शब्द है मान मनुहार, मान और ये मनुहार। इसके बाद में है मानवीयता के आधार पर, ऐसे बनाएंगे मानवीयता के आधार पर। आगे हमारा शब्द आएगा मानवीय मूल्य, मानवीय और ये मूल्य। इसके बाद में है मानसिक, मानसिक। इसी प्रकार से आगे है मानसिकता, मानसिकता। इससे आगे हमारा शब्द है माननीय सदस्य, माननीय और ये सदस्य। इसके बाद में है माननीय मंत्री, माननीय मंत्री। एक ही मात्रा लगा दी। इसके बाद में है मानवीय दोष, इसको लिखेंगे मानवीय और ये दोष। तो दोस्तों ये कुछ शब्द मैंने आपको बना के इनकी आउटलाइनें बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और शॉर्ट हैंड की गति आपकी निरंतर बढ़ेगी। आपको कहीं भी कोई परेशानी शॉर्ट हैंड टाइपिंग से संबंधित होती है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9756825983 है, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप आउटलाइन बनवा सकते हैं या कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।